सो हाय गाइस, अनदर दिस साइड फ्रॉम मेजी बाजी। और आज की वीडियो में हम लोग खाने वाले हैं वड़ा पाव, बट नॉर्मल वड़ा पाव नहीं, एकदम अतरंगी, एकदम देसी और एकदम यूनिक। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई वड़ा पाव ओपी या बर्गर ओपी। आपको वड़ा पाव पसंद है तो वड़ा पाव कमेंट करिए, आपको बर्गर पसंद है तो बर्गर कमेंट करिए। आज कमेंट्स में देखते हैं वड़ा पाव जीतेगा या बर्गर। आइए शुरुआत करते हैं गुवाहाटी के ऐसे वड़ा पाव के साथ जो आपको मुंबई क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगहों का डोसा, मतलब लुधियाना का डोसा कैसे अलग है वाराणसी से, जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, और साउथ से काफी लोग आते हैं और साउथ के तो डोसे इतने कमाल के होते हैं, दिल्ली का डोसा और मुंबई में तो डोसे में पता नहीं क्या चीज प्लीज डाल देते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो ताकि टारगेट पूरा हो जाए और नेक्स्ट वीडियो डोसे की बनाए। हाँ जी भैया, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। स्पेशल वाला खिलाइएगा, मतलब ये शुरुआत है, इसको हम बनाते हैं। स्पेशल वाले में क्या पड़ता है स्पेशल? ऐसा ये देखो, अभी सामने आपको चीज रहेगा, चटनी रहेगा, सारा सब रहता है, सारा मेयोनीज रहेगा। ये बटाटा की टिक्की है? नहीं, ये मसाला नहीं रहेगा, ये हो गया। नहीं, ये वड़ा पाव का आलू का टिक्की है ना, ये देखो। ये बन गया अपना, चटनी डालेंगे, क्रिस्पी भी लगता है। ये एक डाबली बन रहा है? नहीं, स्पेशल वड़ा पाव है। स्पेशल वड़ा पाव लग रहा है? हाँ। इसमें मीठा चटनी मारा, इसमें तीखा चटनी मारा, लहसुन चटनी मारा, इसके ऊपर से कांदा मारा, प्याज दे दिया, कांदा। हाँ, बम्बईया चीज बना रहे हैं ना, बम्बईया भाषा में बोलेंगे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मराठी येत नहीं, जास्ती नहीं येत, कमी थोड़ी थोड़ी। ये हो गया अपना चीज, चीज चीज। ये हो गया अपना मेयोनीज, मेयोनीज हो गया ठीक। ये अपना मसाला लेंगे यहाँ से। ये कौन सा मसाला रहता है? ये वड़ा पाव का मसाला। अच्छा, आलू का मसाला है? हाँ। अभी इसको बॉइल करेंगे। इसको क्या करें? बॉइल करके बेसन में, फोल्ड करा इसको। ये बन गया, ये बन गया आपका। अभी इसको फ्राई, इसको फ्राई करोगे? हाँ। अरे बाप रे, देखो तभी स्पेशल है ये, जब ही स्पेशल बनेगा। अरे वाह, ये मजेदार चीज बताई आपने, ऐसा आपको कहीं देख ना, मैं तो बंबई में इतने वड़े पाव खाए, ये ऐसा नहीं खाया। ये चीज नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं बनाता, ये हम ही बनाता है। अरे ये दिल खुश करा आपने दिखा के, स्पेशल वड़ा पाव है। हाँ, ये बढ़िया। अभी ये है ना, मैंने यही कारीगरी, कैसे 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 चालू करा ये, कैसे सोचा ये ऐसा वड़ा पाव बनाओगे? मतलब आप लोगों से ही। अच्छा, जैसे आप लोगों ने बोले भैया कोई नया आइटम खिलाओ, कोई नया आइटम खिलाओ तो मजा आए। हाँ, तो आपसे ही भैया, आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे ब्रेड कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। अच्छा, उसमें से ही भैया ने बना दिया, खिलाया तो अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा। सही, तो कितने टाइम से आप बना रहे? कम से कम नहीं तो 7 साल हो गया यार। 7 साल हो गया। और ये कौन सा इलाका पड़ता है? फैंसी बाजार, फैंसी बाजार गुवाहाटी। फैंसी बाजार के शनि मंदिर, ये पीछे मिठाई वाला ना, कौन सा? नहीं, विकास स्टोर है। विकास स्टोर है, विकास स्टोर के पास में, फैंसी बाजार विकास स्टोर के पास में ये आपका वड़ा पाव। बढ़िया करारा निकाल देना एकदम, एकदम करारा। अच्छा, ये बड़ा रोमांचक था ये, ऐसा चीज आपको मुश्किल। मेरे को लग रहा है आपको वड़ा पाव, आपके वड़ा पाव बनाने में काफी मजा आता है आपको भी? बहुत मजा आता है। जैसे आप बता रहे हो, सच में बहुत मजा आता है। दिल खुश हो गया आपका। तो ये हो गया अपना वड़ा पाव तैयार। वड़ा पाव तैयार हो गया। अच्छा, बहुत सही। अभी इसको काटेंगे, अभी इसको काटोगे? अरे अरे, चीज मेल्ट हो गया इसका, मतलब ये बन गया अपना वड़ा पाव। वड़ा पाव सैंडविच टाइप सा बन गया ये। हाँ, हॉट सैंडविच मतलब। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। पहला हरा चटनी दिया, फिर लहसुन चटनी, लहसुन चटनी दिया, अब मीठा चटनी। बहुत सही, बहुत सही। इसके बाद में सेव मारा, ये अपना भुजिया डाल दिया, भुजिया डाला। हाँ, यहाँ का सेव डाल, सेव डाल दिया, प्यार से जो भी बोलो। अरे ये बहुत जरूरी है वड़ा पाव के साथ। ये हो गया अपना मिर्ची, अब ये तैयार हो गया। ये भैया को दे दो, भैया वड़ा पाव लो जी। नीचे ये आपको दिखाता हूँ, ये है बिलीव इट और नॉट वड़ा पाव।
मैंने इसकी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, आप पहले स्टोरी देखो। गाइस एवरी वंस इन अ ब्लू मून कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसको मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ ताकि आप सब लोगों की बत्ती गुल हो जाए। अब इसको बताओ क्या चीज़ है। अगर आपने इसको बता दिया क्या चीज़ है तो फिर तो मैं आपको मान जाऊँगा। आई डोंट थिंक आप बता पाओगे, आई डोंट थिंक कोई भी बता पाएगा ये क्या चीज़ है। हिंट हो रहा है ये ऐसी वाली मिर्ची ना बड़ा पाव मिलती है ना, अगर ये मिर्ची हटा दो तो बिल्कुल नहीं बचा सकता वो। हाँ, पर सच्चा फूडी वो जो वड़ा पाव के साथ मिर्ची खाए, और उससे भी बड़ा सच्चा फूडी वो जो वड़ा पाव के साथ पूरी मिर्ची खाए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने दूर दूर तक सोचा भी नहीं होगा कि आपको गुवाहाटी में ऐसा वड़ा पाव मिलेगा। मैं तो खुश हो ही गया इस वड़ा पाव को देख के, भैया जो बना रहे थे उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया इस वड़ा पाव को बना के। बहुत ही है, मेरा दिमाग ना अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा, मैं इसको वड़ा पाव बोल नहीं पा रहा, इसके अंदर मेयोनीज भी पड़ा है। मेयोनीज का, चीज का, अलग अलग चटनियों का जो फ्लेवर आ रहा है, जो सेव का फ्लेवर आ रहा है, बटाटे और पाव का जो मिश्रण हो रहा है, उसके ऊपर भुजिया डाली है। मैं बता रहा हूँ आपके जो कैमरा जिसने अभी पकड़ रखा है ना, वो मेरे बड़े भैया है, और उनके मुंह में पानी आ रहा है। तो लाइक कब कैमरा बंद होगा, कब मैं इसको टेस्ट करूँगा। आपको अगर ये टेस्ट करना है तो आपको गुवाहाटी आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वड़ा पाव आई डोंट थिंक इंडिया में कहीं और मिलता है। ये चटनी है, ये किसका चटनी है? दाल का चूरा का मिक्स, दाल का चूरा का मिक्स चटनी। अच्छा, एक भज्जी पाव खिलाओ बढ़िया सा। बटाटा भज्जी, हाँ बरोबर। चालू का ये क्या है, इसको इसको आप जरा सीधा करिए, सिर्फ बड़ा पाव पाव दिख रहा है लोगों को। हाँ अब आया ना बटाटा, ये है कंप्लीट डिश, मखमली सा पाव एकदम ग्लेज वाला गजानन वड़ा पाव से। कहाँ पे हम लोग, थाने में? थाने में है ये, थाने में नौपाड़ा। कहाँ पे? थाने में, थाने में, थाने में। कैसे बोलते हैं? थाने, थाने, थाने। जैसे आपने सीखा था पोट भर खाना आए, पोट भर खाना, पोट थाने, थाने। ठीक है, खाना स्टार्ट करें। आई थिंक कुछ 35 रुपीस के दोनों हैं ये मिला के। सस्ता सुंदर टिकाऊ नाश्ता, पेपर प्लेट दिया है, इसका एक फ़ोटो लेना बनता है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड वड़ा पाव जो मैंने अभी तक खाया है। अभी क्या है ना, जो वड़ा पाव का जो स्टार्ट हुआ था ना, वो कहाँ से हुआ था मैं आपको बताऊँ, वो हुआ था अशोक वड़ा पाव से, दादर से, है ना। वो दादर वाले वड़ा पाव अभी भी बना रहे हैं, बड़ा मस्त बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इवन मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट्स है। वो ये वाले वड़ा पाव देखते होंगे और सोचते होंगे कि भाई साहब क्या मैंने बनाया था और क्या बन गया है, मतलब वड़ा पाव प्योरेस्ट फूड भी लाइक क्या कर रहे हो। एक मिर्च डलवा के लाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है मिर्च, मिर्च देना, मिर्च दो तीन देना। एक सच्चा वड़ा पाव फैन वो जो मिर्च मज़े से लगाए, ये बना वड़ा पाव। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा मैं ना कड़ी के साथ खा रहा हूँ वड़ा पाव। बहुत है पाव इनका ना, बहुत सॉफ्ट है, बटाटा इनका एकदम मस्त है, मिर्च डाल के एकदम तीखा हो गया, और जो बेसन और दाल की जो चटनी है उसको डाल के ना, जो वड़ा पाव सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं, ड्राई ड्राई सा होता ना, सूखा सूखा सा, वो चीज़ सॉल्व हो। यस वड़ा पाव बट स्पाइसी एट द सेम टाइम, कॉम्बिनेशन ऑफ चिली गार्लिक, फैंसी स्टफ यार, वेरी फैंसी स्टफ, सही में बहुत जुगाड़ी है। क्या क्या पड़ता है इसके अंदर? मेयो पड़ता है, मेयो पड़ता है, तंदूरी, मेयो शेजवान तंदूरी, और थोड़ा सा स्पाइसी रख रहा है। कांदा पड़ा, बर्गर जैसा बनाते हैं इसको।
जैसे बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, बहुत ही अमेजिंग वड़ा पाव होने वाला है। इसके अंदर इतनी सारी चीज सॉस, मेयो सॉस, ये सॉस, वो सॉस डाल डूल के, वेजीज डाल के एकदम सब्वे जैसी प्रिपरेशन बनाई है, और इसका नाम है VIP वड़ा पाव। Awesome. Will you call it a वड़ा पाव? क्या है वड़ा पाव? Never call it a वड़ा पाव। जो भी है टेस्टी होगा शायद, देखने में लग रहा है। So let's eat it and then get the Godfather of all वड़ा पाव। Godfather of all वड़ा पाव। VIP वड़ा पाव से ये वड़ा पाव लिया है, जिसको मैं वड़ा पाव शायद ना बोलूँ। इसके अंदर कांदा पड़ा है बहुत सारा, कैप्सिकम पड़ा है, टमाटर पड़ा है, इसमें चीज़ ब्लेंड डाला है, देन देयर्स जो इसका बेस है उसके अंदर मेयो, मिंट मेयो, मेयो तंदूरी मेयो, एंड देन चिली सॉस, बटाटा वड़ा ऑफकोर्स डाला है उसके अंदर, लेटेस डाला, मतलब बहुत लोडेड है। सब्वे जैसा मेसी होगा खाने में, बर्गर जैसा दिखने में, और नाम के लिए वड़ा पाव, बिकॉज मुंबई में रग रग में वड़ा पाव है। और प्राइस मात्र 30 रुपये। गुड स्टफ। ये विक्रम भाई का मोस्ट ऑफ द डेज का नाश्ता है। हाँ, ये देख लो बिफोर है, दाढ़ी वाड़ी सब सही है, और नाउ गोइंग टू गेट मेसी। ओ भाई साहब, बहुत गड़बड़ होगा। बेसिकली इट्स जस्ट अ ब्लेंड ऑफ सॉसेस। जिस रीजन से लोग सब्वे खाते हैं ना, उसको बोलते हैं कि वो बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है, और सिर्फ जा जा के सब्वे में भैया ये सॉस डालो, ये सॉस डालो, ये सॉस डालो, ये सॉस। दिस वड़ा पाव एग्जैक्टली लाइक दैट, एंड आई कैन सी वाई लोगों को ये पसंद आता है, क्योंकि मुंबई में लोग लव सॉसेस, चीज़ ब्लेंड, ये ब्लेंड, तो उसके साथ ना काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट अ वड़ा पाव। कल्पती से भी इसको वड़ा पाव मत बोलना, वरना बहुत भाई पक्के जो क्या कहते हैं उसे, द रियल मुंबई का दिल गेट एंग्री इफ़ यू कॉल दिस द वड़ा पाव, देन दिल कम हेयर। वो लोग जंतर वंतर वड़ा पाव लेंगे और वो कैंपेन स्टार्ट करेंगे #द रियल वड़ा पाव। बट दिस इज़ गुड, इसको आप एक तरीके से सैंडविच बोल सकते हो। 30 रुपये का प्राइस है यार, मुंबई जैसे शहर में और वर्ली जैसे जगह में। देखो आसपास, देखो उधर सामने, सामने देखो कितने फ्लोर है, और मतलब इतने सारे फ्लोर्स के साथ बगल में बंदा नीचे उतरे या गार्ड को बोले भैया एक 30 रुपये वाला वड़ा पाव लेके आना। सर रीजनेबल डिश बट नॉट अ वड़ा पाव। वाओ वेरी मेसी, बहुत गड़बड़, मतलब बहुत ऐसा खराब खराब हो जाता है खाने में। चिकना है, चिकनाहट है। पहले मैं लोगों को जरा दिखा देता हूँ कि अपने पास है क्या। गॉडफादर है अपने पास, है गॉडफादर। आप मुझे बताइए कि आपको ये देख के वड़ा पाव लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या क्या लग रहा है ये? नहीं, वड़ा पाव लग ही नहीं रहा पहले देख के, तो ये कोई नहीं बताएगा कि ऐसे वड़ा पाव में ऐसी कोई मुंबई में चाहे ना तो लाल मिर्च वाले ही वड़ा पाव आते हैं। वो गन पाउडर वाला, घाटी वड़ा पाव, गन पाउडर उसके अंदर। यहाँ पे नॉर्मल वड़ा पाव आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो चीज़ हम लोगों ने ली है, इसको वड़ा पाव बोलो ना बोलो, बट मुंबई वालों की ना आदत है। अभी पीछे मैंने देखा यहाँ पे बना रहा था, मैं इतना एडवेंचरस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मेरे को खाना खाना पसंद है, मेरे को शूट करना पसंद है, पर एक पॉइंट के बाद मेरा एडवेंचर खत्म हो जाता है। उस बंदे का एडवेंचर स्टार्ट हुआ वहाँ पे जब उसने लिया समोसा वड़ा पाव, उस पर चॉकलेट सिरप मार के। भाई साहब क्या हो रहा है? ये मुंबई वाले लोग देख रहे हैं अभी पीछे, और वो कह रहे हैं कि आप कल को हमें ना पत्थर के साथ वड़ा पाव दो, हम उसको भी खा लेंगे। वड़ा पाव हर चीज़ में वड़ा पाव है, उनका ऐसे निकालोगे ना ब्लड सैंपल, वड़ा पाव निकलेंगे भाई साहब WBCs की बजाय। तो वही कॉन्सेप्ट पे VIP वड़ा पाव चल रहा है। सो दिस इज बेसिकली टेकिंग अ वड़ा एज अ बर्गर बन रिप्लेसमेंट, उसके अंदर बटाटा डाला, दे पुट अ लॉट ऑफ सॉसेस इन इट, इसके अंदर चिली सॉस डाला और इसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा क्रीमी सॉस डाला, तो थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा क्रीमी है, जस्ट द थिंग जैसे मेरे को पसंद है। हम दिल्ली वाले थोड़ा तीखा खाते हैं, मुंबई वाले थोड़ा सा चीज़ी खाते हैं, दोनों को बीच में जाके हम लोगों ने रा के रोक दिया कहाँ पे, गुजरात में। यार दिस मन कर रहा 10-15 सेकंड इसको ना देखता ही रहूं। बहुत सही है ये, तो हुई ना बात डोंबिवली आने की, एक नंबर वड़ा पाव देख के पता चलता है कि इसको एक नंबर क्यों, एक नंबर क्यों, खाने के बाद क्या होगा, एक नंबर है भाई, देखने में एक नंबर है, खाने में दो नंबर हो जाएंगे, एक नंबर खाने का, एक नंबर देखने का।
भाई डोंबिवली के खाने में बात है भाई, ये ऐसे लग रहा है पाव के ऊपर ना चिवड़ा जैसे होता है ना कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए और उसके ऊपर पत्ता को भी हल्का सा काटा है, कांदा काटा है, मसाले गन पाउडर डाला है, पोड़ी गन पाउडर भी नहीं बहुत फाइन है पोड़ी टाइप की डाली है और उसके ऊपर चाट मसाला और कोई और मसाला डाला है। बटाटा तो दिख ही नहीं रहा इसमें, चलो समोसा तो दिख रहा है। 15 रुपये का है ये, 15 रुपये का ये, 30 रुपये का प्राइस। इधर ठाकुर वड़ा पाव, लोकेशन की जरूरत नहीं है, नाम चलता है। एक नंबर लोकेशन, एक नंबर वड़ा पाव, एक सब कुछ एक नंबर। खाना स्टार्ट करते हैं इसको, इसको तो खाना पड़ेगा यार, इसको तो खाना पड़ेगा। खाएंगे कैसे इसको? इसको खाना चैलेंज है भाई, जो लोग बोलते हैं सब्वे खाने में दिक्कत है, इसको खा के देखो कैसे खाऊं। एक नंबर वड़ा पाव, छोड़ो उनको, अब इन पे फोकस करो। जन्नत के नज़ारे, बट इसके साथ ना कुछ पीने का होना और मज़ा आएगा। बगल में एक शोभा चाय वाला है, चाह वाला, वो बढ़िया, मतलब सही गुजराती बंदा होगा उसने देखा होगा, लोग यहाँ पे आके पाव खा रहे हैं, थोड़ा ड्राई हो रहा है, चाय पिलाते हैं, इंडिया तो चाय पे चलता है यार। उसकी चाय चल गई, लोगों का ये जो खा के थोड़ा सा ड्राई हो रहा है वो सॉल्व हो गया, पाव वाला खुश, चाह वाला खुश, लोग खुश, मैं खुश, आप कुछ इसी बात पे लाइक कर दो। कौन है ये लोग जो वड़ा पाव के अंदर डाल रहे हैं नाचोस? सारे नाचो टूडू, सॉरी बाउंड टू मेक बैड जोक्स। सो गाइस, आप लोगों को अगर याद होगा कि हम लोगों ने वीआईपी वड़ा पाव खाया था वर्ली में, क्या नाम था उसका, जुगाड़ी, वो पक्का जुगाड़ी था। उसके पास ऐसा सब्वे टाइप का वड़ा पाव था, मतलब उन्होंने क्या किया, वड़ा पाव का कॉन्सेप्ट लिया और उसको सब्वे में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला ना मुंबई के किसी भी मुंबई के बंदे को बोलेगा ना, ओए अपना हाथ खोल के दिखा, नहीं वो ऐसे होता ना ऐसे खोल के दिखाते हैं और ऐसे वैलेंटाइंस डे के आसपास बोलते हैं मेरा दिल है दिल है, वड़ा पाव निकलता मुंबई के अंदर से ना। तो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने वड़ा पाव लिया उसको सब्वे बना दिया। ऐसे ही ये है जंबो किंग। तो मेरे को यहाँ पे ना विक्रम भाई बता रहे हैं कि जंबो किंग का कहानी क्या है, कि 15 से 20 साल पहले, ये तो थोड़ा आप ऊपर ही आइए, ये थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। 15 से 20 साल पहले दीज गाइज वर द फर्स्ट पीपल टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैसिव वड़ा पाव। पहले ना ऐसे पिद्दी पिद्दी से वड़ा पाव मिलते थे, खोई छुई जाए टाइप। फिर अभी जो आप वड़ा पाव देख रहे हैं ना जो मार्केट में आए हैं, इतने बड़े बड़े वड़ा पाव, दीज गाइज स्टार्टेड दैट कॉन्सेप्ट समहाउ, ठीक है। एंड वो 15-20 साल में वो एक छोटे से स्टॉल या रेस्टोरेंट जो भी था उनका, उससे दे हैव बिकम अ फ्रेंचाइजी चेन, मुंबई में बहुत जगह पे है। और अब क्या चीज़ हो गया, ये किसी ना एम नाम के बर्गर ब्रांड से, अगर आपको पता है तो कमेंट करना, रिजेंबल कर रहा है पूरी ब्रांडिंग, पूरी कलर स्कीम, पूरे मेन्यू के प्राइसिंग, एवरीथिंग, जस्ट दैट उससे रेट 50% लोअर है। मतलब केस स्टडी, अगर आप MBA वगैरह कर रहे हो तो वेरी गुड केस स्टडी। फिलहाल हम लोग आते हैं खाने पे, नीचे आइए आपको दिखाता हूँ, मैंने लिया है नाचोस वड़ा पाव, आई एम नॉट किडिंग। इसमें पत्ता को भी डाला हुआ है, थोड़ा एम ब्रांड वाली सॉस रिजेंबलेंस वाली डाली हुई है, तोर्तिया चिप्स, बेसिकली नाचोस, फीके नाचो चिप्स, और एक, जी हाँ, वेट फॉर इट, जो एकदम सच्चे मुंबईकर्स है ना वो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर जाइए, डिसलाइक मत दीजिएगा, मेरी गलती नहीं है, ये इन लोगों की गलती है, इन्होंने बटाटा वड़ा को स्क्वायर में बनाया भाई साहब, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। ओके चलता है, कोई नहीं, मुंबई बदल रहा हमारा। वाओ टू गुड, टू गुड, दिस लाइक आपको वड़ा पाव का फ्लेवर आ रहा है एंड यू आर एक्चुअली एंजॉइंग जो फ्यूजन उन्होंने वड़ा पाव के साथ किया ना, तो पाव इज सो सॉफ्ट, मुंबई इज पाव हेवन। Mm.
प्लेजर, वाव। अगर आपको किसी डॉक्टर के बारे में पता है जो हेल्प कर सके मेरी पावर ऑब्सेशन को हटाने में, प्लीज़ कमेंट्स में नंबर डालिएगा उसका, आई विल कंसल्ट हिम बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद द मुंबई पाव। दिस इज ऑसम, यू मस्ट एंड मस्ट हैव दिस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भाई वड़ा पाव ओपी या बर्गर ओपी। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, संडे को डालेगा भाई संडे स्पेशल्स, और इस बार संडे स्पेशल्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, एक झलक देख लो। बात करते हैं संडे को, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।